नमस्कार दोस्तों वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज मैं काफ मैनेजमेंट या बछड़े की जानकारी प्रबंधन की जानकारी देने वाला हूँ बयाने के बाद बच्चे के मुंह से म्यूकस को साफ करना है बयाने के बाद खांस लेती है तो ठीक है नहीं तो चेस्ट पर प्रेशर देना है बाछा या बाछी पैदा होते ही ना भी नेल कोड होता है जिसे काटना है तो वहाँ से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है उसको ठीक करने के लिए टिंचर आयोडीन का घोल लगाना चाहिए गाय के बे के बाद फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रोम को बच्चे को पिलाना चाहिए बच्चे को पिलाने के लिए उसे थन के पास ले जाकर हेल्प करें कोलेस्ट्रोम जो आधे घंटे के बाद पिलाना शुरू कर देना चाहिए हमें कोशिश करना चाहिए कि 48 घंटा तक अवश्य पिलाएं। ऐसा पाँच दिन तक पिलाना चाहिए जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहती है जिससे बीमारी होने की चांस कम रहता है कोलेस्ट्रॉम में प्रोटीन विटामिन मिनरल मिल्क नॉर्मल मिल्क से पाँच गुना ज़्यादा होता है विटामिन दस से पंद्रह गुना ज़्यादा होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है काफ के शरीर का दसवां भाग कोलेस्ट्रॉम पिलाना चाहिए एक दिन में पाँच से छः लीटर कोलेस्ट्रॉम ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए एक बार में एक बटे दस बॉड बाछी के बॉडी वेट के अनुसार या काफ के बॉडी वेट के अनुसार कोलेस्ट्रॉम पिलाना चाहिए कोलेस्ट्रॉम काफ दो से तीन सप्ताह का हो गया हो तो उसे डिहार्निंग करना चाहिए फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए फीडिंग स्टार्ट में, में मिल्क या दूध देंगे वो एक बटे दसवा बॉडी वेट के अनुसार छः से बीस दिन तक होल मिल्क देना चाहिए इक्कीस से तीस दिन के बाद एक बटे पंद्रहवा भाग होल मिल्क पिलाएं और इकतीस से साठवाँ दिन के बाद हम एक बटे पच्चीस बॉडी वेट के अनुसार होल मिल्क पिलाना चाहिए काफ़ स्टार्टर काफ़ स्टार्टर का मतलब हो यह होता है कि हम प्रोटीन विटामिन मिनरल ये सब मिल्क करके मिक्स करके काफ़ स्टार्टर बनाते हैं डीसीपी यानी डाइजेस्टिव क्रूड प्रो, प्रोटीन की मात्रा बीस परसेंट से ज़्यादा भी होता है टी टोटल डाइजेस्टिव जो कि सत्तर परसेंट होता है एनर्जी जो सत्तर परसेंट तक होता है दाना मिश्रण अवश्य प्रति सत मात्रा में दें चोकर पचास के जी अनाज बीस के जी खल्ली सताईस के जी नमक एक के जी खड़िया एक के जी खनिज मिश्रण एक के जी काफ के जन्म के पंद्रहवें दिन के बाद काफ स्टार्टर देना शुरू करना चाहिए पंद्रह दिन का तो सौ के सौ ग्राम खिलाते हैं नेक्स्ट वीक में दो सौ ग्राम खिलाते हैं जैसे जैसे सप्ताह बीतता जाएगा सौ सौ ग्राम बढ़ाते जाएंगे इससे सिक्स मंथ तक खिलाएंगे सौ सौ ग्राम का बढ़ा बढ़ाते जाएंगे जब काफ सिक्स मंथ का हो जाएगा तो एक से डेढ़ के जी या दो के जी काफ स्टार्टर की आवश्यकता होती है तीन मंथ का हो जाए, जाएगा तो थोड़ा हरा घास प्लस दाना देना जरूरी होता है तीन से छः मंथ का हो जाए तो क्लीन वाटर देना चाहिए हाउसिंग जहाँ तक रख रखा हो वहाँ पर साफ़ सफाई हवादार रूम का ध्यान रखना चाहिए सिक्स मंथ का प्लान आयु माँ छः से नौ हरा चारा पाँच से आठ किग्रा सूखा चारा जीरो पॉइंट फाइव किग्रा दाना वन पॉइंट फिफ्टी डेढ़ के जी आयु नौ से पंद्रह हरा चारा आठ से पंद्रह के फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ बीच में कट ऑफ हो गई थी सिक्स मंथ के बाद डाइट देना है आयु माह छः से नौ हरा चारा की ग्रह पाँच से आठ के जी सूखा चारा की ग्रह जीरो से पाँच के जी और दाना की ग्रह डेढ़ के जी आयु माह नौ से पंद्रह महीना हरा चारा आठ से पंद्रह के जी सूखा चारा किग्रा जीरो पॉइंट फाइव के जी दाना दो के जी आयु माह पंद्रह से बीस महीना हरा चारा की पंद्रह से बीस के जी सूखा चारा किग्रा एक के जी और दाना मिश्रण दो के जी से अढ़ाई के जी आयु माह बीस से अधिक मंथ हरा चारा बीस से पच्चीस के जी सूखा चारा दो के जी और दाना की ग्रह टू पॉइंट फा, फाइव के जी अढ़ाई के जी रेगुलर वैक्सीनेशन कराना बहुत ही जरूरी है काफ का रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराएँ एच एस बी क्यू एफ एम डी और ब्रूसलेसिस का टीका अवश्य कराएँ सर्दियों में बछड़े हैं तो उनके लिए सर्दी काफ़ी असहनीय होता है सेड का जो खिड़कियां हैं उसमें बोरियों या टाट से ढक दें नौ से दस बजे धूप जब आ जाता है तो उनको धूप में बांध दें और हो सके तो विटामिन एच और मिनरल की थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं काफ के डिवर्मिंग की दवाई समय समय पर अवश्य कराते रहना चाहिए यह है काफ रिपेयरिंग प्रोग्राम और काफ को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये यही बड़े होकर गाय बनती हो हैं और हमारे भविष्य हैं थैंक यू धन्यवाद वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फॉर्म थैंक यू